नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं जसवंत जी माचरा सर आज आपके साथ राजस्थान के किसान आंदोलन के जो हमारा टॉपिक मारवाड़ रियासत का किसान आंदोलन चल रहा था उस पर चर्चा करूंगा। मारवाड़ रियासत का किसान आंदोलन, दोस्तों अब से पहले हमने खालसा क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने अंत में पढ़ा कि 16 जून 1934 को किसानों को कुछ रियायतें दे दी गई, परंतु मारवाड़ क्षेत्र का जो जागीरी भाग था उसमें किसानों को रियायतें नहीं दी गई। तो अब हम जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जागीरी क्षेत्र में किसानों ने जो पूर्ववत जो खालसा क्षेत्र में लगान में छूट दे दी और इस क्षेत्र में जो पूर्ववत जो लगान थी वो उसी प्रकार से लगान ली जा रही थी, तो इसी कारण जागीरी क्षेत्र के किसान हैं उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। और इस जागीरी क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है इसमें हम बात करें तो सबसे पहले 7 सितंबर 1939 ईस्वी को आपका जो मारवाड़ लोक परिषद थी उस मारवाड़ लोक परिषद ने यहाँ पर बढ़ी हुई लगान दरों बेगार पर था और जो राज्य सरकार की तरफ से खालसा क्षेत्र में जो किसानों को रियायत दी गई थी परंतु जागीरी क्षेत्र में किसानों को वो रियायत नहीं मिली, उसी कारण आपके मारवाड़ लोक परिषद ने 7 सितंबर 1939 को यहां पर आंदोलन की शुरुआत कर दी। तो मारवाड़ लोक परिषद के द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई। उसके बाद में क्या होता है कि मार्च 1940 ईस्वी को जो मारवाड़ सरकार थी उसने इस मारवाड़ लोक परिषद को अवैध संस्था घोषित कर दिया, अवैध संस्था घोषित कर दिया। उसके बाद भी मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में घूमकर किसानों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। और अब हम आगे बात करें तो एक हमारा है चंडावल गांव का घटना का, चंडावल की घटना। ये जो चंडावल गांव है उसमें 1942 ईस्वी को आपकी जो मारवाड़ लोक परिषद थी इस मारवाड़ लोक परिषद का एक कार्यकर्ता था मांगीलाल नाम से, मांगीलाल, और इस मांगीलाल ने आपके इस चंडावल गांव में एक सम्मेलन का आयोजन किया, आसपास के किसानों को भी इस गांव में आमंत्रित किया और यहां पर उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया। आपकी जो मारवाड़ लोक परिषद है उसके भी अनेक कार्यकर्ता इस सम्मेलन में शामिल हुए और मांगीलाल के द्वारा जो ये सम्मेलन यहां पर किया गया इस सम्मेलन पर 28 मार्च 1942 ईस्वी को राज्य सरकार व ठिकाने की तरफ से यहां पर जो किसान इकट्ठे हुए थे और मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे उन पर लाठी चार्ज किया गया जिसमें अनेक किसान है वो घायल हो गए। यहां पर राज्य सरकार ने इस घटनाकांड की जांच करने के बजाय आपके जो जय नारायण व्यास और उनके जो साथी थे उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उसके बाद में आपकी इस 28 मार्च 1942 की घटना के बाद
मारवाड़ सरकार ने अंत में सितंबर 1943 को किसानों से एक समझौता कर लिया और किसानों को कुछ रियायतें और भूमि का जो नया बंदोबस्त है वो करवाने की बात कही। यहां पर किसानों को कुछ रियायतें दे दी गई और भूमि का नया बंदोबस्त करके और नए बंदोबस्त के अनुसार लगान लेने की बात कही गई, परंतु जागीरदारों ने जो मारवाड़ सरकार का जो फैसला था यानी भूमि का बंदोबस्त तो करवा लिया, परंतु फिर भी लगान है वो पूर्ववत ले रहे थे और इसी कारण फिर मारवाड़ जो लोक परिषद है इसके कार्यकर्ता है उन्होंने फिर से किसानों को संगठित करने का प्रयास किया, उनको आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो एक चर्चित क्वेश्चन हमारा जो पूछा जाता है डाबड़ा कांड से संबंधित, डाबड़ा जो है वर्तमान का आपका डीडवाना, और यहां पर जो मारवाड़ लोक परिषद है इसके द्वारा 1947 ईस्वी में 13 मार्च 1947 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन पर भी जो जागीरदार है उसकी तरफ से लाठीचार्ज किया गया जिसमें अनेक किसान है वो घायल हो गए और बहुत से किसान है वो मारे भी गए यहां पर। तो आपका जो डाबड़ा कांड है यहां से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डाबड़ा कांड है वो कब हुआ, तो 13 मार्च 1947 को हुआ और मारवाड़ रियासत के किसान आंदोलन से संबंधित आपका ये घटनाक्रम है। अब ये जो घटनाक्रम हुआ इस घटनाक्रम की संपूर्ण देश में निंदा हुई और हमारे राजस्थान के प्रजा सेवक जो जोधपुर से प्रकाशित होता था समाचार पत्र, इसके अलावा लोकवाणी जो जयपुर से प्रकाशित होता था, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स जो दिल्ली से प्रकाशित होता था, और इसके अलावा वंदे मातरम जो बंबई से प्रकाशित होता था, यानी आपके जो ये समाचार पत्र है इन समाचार पत्रों में जो डाबड़ा गांव का घटनाकांड हुआ उसकी निंदा की गई, यानी यहां पर अनेक जो किसान है घायल हो गए और बहुत से किसान है उनकी मृत्यु भी हो गई। 13 मार्च 1947 की घटना है और डाबड़ा जो आपका वर्तमान में डीडवाना में पड़ता है, डीडवाना नागौर। तो यहां का जो घटनाकांड है उसका प्रजा सेवक जोधपुर का समाचार पत्र था, लोकवाणी जयपुर का था, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली का था और वंदे मातरम बंबे का था। इन समाचार पत्रों में इस घटनाक्रम की निंदा की गई और इसमें इन समाचार पत्रों में इस घटनाक्रम की जो बात है वो प्रकाशित की गई, परंतु फिर भी राज्य सरकार की तरफ से किसानों को कोई प्रकार की रियायत नहीं दी जाती है। अंत में क्या होता है कि जून 1948 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होता है और उस मंत्रिमंडल के गठन के बाद में मारवाड़ रियासत के किसानों को छूट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों हमने जो पिछले वीडियो में बात की थी, एक हमने सम्मेलन पढ़ा था मारवाड़ लोक परिषद का, 25-26 नवंबर 1931 को वो सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे से थोड़ी एक गलती हो गई, यानी वहां पर हमने जो उसका अध्यक्ष था वो चांदमल सुराणा कर दिया था और वो आपका अध्यक्ष है, वहां पर आपको सही करना है चांदकरण शारदा नाम वहां पर आपको करना है, और आपका वो सम्मेलन है वो पुष्कर में आयोजित हुआ था। एक बार दोबारा देख लेते हैं मारवाड़ रियासत के इस जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन को, यानी जागीरी क्षेत्र में पूर्ववत लगान ली जा रही थी और
खालसा क्षेत्र में राज्य सरकार की तरफ से छूट दे दी गई और इसी कारण 7 सितंबर 1939 को मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता है उन्होंने इस क्षेत्र में आंदोलन की शुरुआत कर दी। मार्च 1940 को जो आपकी मारवाड़ लोक परिषद है उसे मारवाड़ सरकार ने अवैध संस्था घोषित कर दिया। उसके बाद भी आपके जो मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ता है उन्होंने गांव-गांव में घूमकर किसानों को संगठित किया और आंदोलन करने के लिए प्रेरित भी किया। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो चंडावल गांव की घटना होती है 1942 ईस्वी में, यानी मारवाड़ लोक परिषद का एक कार्यकर्ता था जिसका नाम था मांगीलाल, और ये जो मांगीलाल है इसने उत्तरदायी शासन दिवस मनाने के लिए 28 मार्च 1942 को इस गांव में एक सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में आसपास के जो किसान है इसके अलावा मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता है वो शामिल हुए। अब इस गांव में जो सम्मेलन हो रहा था उस सम्मेलन पर लाठी चार्ज किया गया ठिकाने की तरफ से और अनेक किसान है वो उसमें घायल हो गए और राज्य सरकार ने इस घटनाकांड की जांच करने के बजाय जय नारायण व्यास व उनके साथियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उसके बाद में जब संपूर्ण भारत से मारवाड़ रियासत पर दबाव बढ़ा तो सितंबर 1943 को मारवाड़ जो रियासत है यानी राज्य सरकार है उसने किसानों से एक समझौता कर लिया और समझौते के तहत कुछ रियायतें देना और इसके अलावा भूमि का नया बंदोबस्त करने की बात रखी गई। भूमि का नया बंदोबस्त किया जाता है फिर भी जागीरदारों ने किसानों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी, यानी उनके जो अत्याचार थे वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो डाबड़ा कांड होता है डीडवाना, आपका जो वर्तमान में डीडवाना है वहां पर डाबड़ा पड़ता था, और 13 मार्च 1947 को यहां पर किसानों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन पर पुलिस के द्वारा गोलियां बरसाई गई जिसमें अनेक किसान है वो घायल हो गए और बहुत से जो किसान है यहां पर मारे भी गए। अब ये जो घटनाकांड है इसके जो समाचार है प्रजा सेवक जोधपुर, लोकवाणी जयपुर, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली और वंदे मातरम बंबई, इन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। और उसके बाद भी राज्य सरकार के ऊपर कोई प्रकार का असर नहीं हुआ। अंत में जून 1948 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन होता है और उसके बाद में मारवाड़ क्षेत्र के किसानों को रियायत मिलती है या किसानों का जो आंदोलन है वो समाप्त होता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। हमारी जो बीकानेर रियासत है इसके किसान आंदोलन की हम बात करें तो यहाँ का जो किसान आंदोलन है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो गंग नहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन है और दूसरा है जागीरी क्षेत्र का किसान आंदोलन। गंग नहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था वो पूर्णतः शांति प्रिय किसान आंदोलन था, उसमें किसानों की कोई हिंसक घटना नहीं हुई। और दूसरा हम जागीरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो उसमें हम एक तो हमारा जो दूधवा खारा चूरू है वहां का किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे और दूसरा महाजन ठिकाने के किसान आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो गंग नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन, आपको पता ही है महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण किया और इसी कारण उन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है क्योंकि
उन्होंने गंग नहर के माध्यम से सतलज नदी का जो जल है हमारे राजस्थान में पहुंचाया और वर्तमान में जो गंग नहर है उससे गंगानगर जिला है वो पूर्णतः सिंचित होता है। तो जो आपके महाराजा गंगा सिंह है उन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया और इस गंग नहर क्षेत्र में भूमि का जो आवंटन किया, भूमि का आवंटन जो किसानों को किया उस समय आपके महाराजा गंगा सिंह ने किसानों को बहुत सी रियायतें देने का आदेश दिया कि मैं आपको इस क्षेत्र में बहुत सी रियायतें दूंगा। परंतु जैसे ही हमारी गंग नहर का निर्माण हो जाता है, पानी की शुरुआत होती है, तो किसानों को रियायतें नहीं मिलती है। यहां पर क्या होता है, एक तो पानी की जो मात्रा थी उसकी कमी, दूसरा सिंचाई कर, तीसरा भूमि की किस्त और चौथा अगर किसी किसान की भूमि की किस्त अगर किसान ने नहीं चुकाई है तो उस किसान के ऊपर ऊंची ब्याज दर लगाई जाती थी। तो इसी चीज से परेशान होकर इस क्षेत्र के किसानों ने प्रारंभ में ही इस क्षेत्र में 21 अप्रैल 1920 ईस्वी को एक संघ का निर्माण कर किया और उस संघ का जो नाम था वो था जमींदारा संघ, जमींदारा संघ। वैसे वर्तमान में जमींदारा पार्टी के नाम से गंगानगर में एक पार्टी भी है। तो ये जो जमींदारा संघ है इसका 21 अप्रैल 1920 को इस गंग नहर क्षेत्र के जो किसान थे उन्होंने इसका निर्माण किया और इन किसानों ने अपनी जो समस्या है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को सुनाई कि हजूर आपने तो हमें इस प्रकार से छूट देने की बात कही थी और हमारे से तो गंग नहर में पानी आने से पहले ही इस प्रकार के कर लिए जा रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। तो उसके बाद में क्या होता है, 21 अप्रैल 1920 को जो जमींदारा संघ के कार्यकर्ता है जिन्होंने इस संघ का निर्माण किया वो जब महाराजा से मिले तो इस क्षेत्र का बीकानेर का महाराजा भी विकास करना चाहता था और इस क्षेत्र के किसानों के साथ बीकानेर रियासत ने जब भी कोई समस्या आई तो आसानी से उसे सुलझाने का प्रयास किया। तो उस समय बीकानेर रियासत की तरफ से इस क्षेत्र के किसानों की समस्या को सुना और उनकी समस्या का निवारण भी किया। आगे हम बढ़ते हैं तो 1930 ईस्वी में यहां की जो खरीफ की फसल थी उसमें बीकानेर रियासत की तरफ से 16% और 1931 ईस्वी की यहां की जो रबी की फसल थी उस रबी की फसल में बीकानेर रियासत की तरफ से 25% लगान में छूट दी गई। परंतु 1931 में अनाज का जो भाव था उसमें गिरावट आ गई और इसी कारण इस क्षेत्र के किसानों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 1932-33 में फिर किसानों को जो ब्याज की दर थी उसमें कमी की गई और सिंचाई कर था उसमें भी कमी की गई, परंतु किसानों को उस चीज का कोई फायदा नहीं मिला। और उसके बाद में इस क्षेत्र के किसानों ने 1933 से लेकर 41 ईस्वी तक आंदोलन किया और उस आंदोलन का जो कारण था वो यही था, एक तो पानी की मात्रा में कमी यानी सतलज नदी से पानी है वो पूर्णतः नहीं आता था और इसी कारण क्या है किसानों को पूर्णतः पानी है वो अपनी भूमि को सिंचित करने के लिए नहीं मिलता था। दूसरा अब पानी की कमी थी और सिंचाई कर क्या था अधिक था और तीसरा जो भूमि इन क्षेत्र में आवंटित की गई थी उस भूमि की किस्त चुकाने और अगर किसी किसान की किस्त बकाया हो जाती तो उससे ऊंची दर पर ब्याज भी वसूला जाता। इसी कारण इस क्षेत्र के किसानों ने 1933 से लेकर 1941 ईस्वी तक
आंदोलन किया, परंतु इस क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था पूर्णतः शांति प्रिय था। बीच बीच में कुछ समस्या आई, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस क्षेत्र के किसानों को, जब किसानों ने बार बार समस्याओं को उजागर किया तो बीकानेर के महाराजा ने किसानों को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद में जब महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु के बाद में शार्दुल सिंह हमारे बीकानेर रियासत के अंतिम शासक थे, और इस शार्दुल सिंह के शासक बनने के बाद में इसने किसानों से एक समझौता किया, यानी उनकी समस्याओं का निवारण किया। और शार्दुल सिंह ने 1946 ईस्वी में इस क्षेत्र के किसानों की, यानी गंग नहर क्षेत्र के किसानों की सभी जो समस्याएं हैं उनका निवारण कर दिया। तो दोस्तों, हमारा जो बीकानेर रियासत का ये गंग नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन था, ये पूर्णतः शांति प्रिय रहा। और यहां पर आपको जो बात याद रखनी है ज्यादा, वो यही है कि हमारे बीकानेर क्षेत्र में जो जमींदारा संघ किसानों ने गठित किया, उसकी स्थापना कब हुई, तो 21 अप्रैल 1920 को इसकी स्थापना हुई। तो गंग नहर क्षेत्र में जब भूमि का आवंटन किया, तो उस समय महाराजा गंगा सिंह ने किसानों को अनेक प्रकार की जो रियायत देने का आदेश दिया, परंतु नहर के निर्माण के शुरुआत में ही किसानों से अनेक प्रकार के जो कर है वो लिए जाने लग गए और उनको परेशान किया जाने लगा। तो इसी कारण किसानों ने मजबूरन जमींदारा संघ का निर्माण किया और इस संघ के माध्यम से अपनी जो समस्या है वो महाराजा तक पहुंचाई। और महाराजा भी इस क्षेत्र का विकास करना चाहता था, तो समय समय पर जब भी कोई समस्या आई तो महाराजा ने उस समस्या का निवारण भी किया। फिर क्या है कि 1933 से 1941 के मध्य इस क्षेत्र के किसानों ने बार बार, यानी लगभग 33 से 41 तक लगातार आंदोलन किया, परंतु इस क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था वो पूर्णतः शांति प्रिय था। और अंत में जब शार्दुल सिंह शासक बनते हैं तो उसने किसानों से समझौता किया और किसानों की संपूर्ण समस्या का निवारण किया, और 1946 ईस्वी में इस क्षेत्र के किसानों को पूर्णतः रियायतें दे दी, यानी इस क्षेत्र के किसानों की जो सभी समस्या है उनका निवारण कर दिया। और ये जो आपका बीकानेर रियासत का गंग नहर क्षेत्र का जो किसान आंदोलन था वो पूर्णतः शांति प्रिय किसान आंदोलन था। और इस क्षेत्र में बीकानेर रियासत की तरफ से भी किसानों पर ज्यादा अत्याचार नहीं किए गए। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, आज हम किसान आंदोलन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, हमारा जो किसान आंदोलन है टॉपिक कल अपना पूर्ण हो जाएगा। और इसमें हम कल बात करेंगे एक तो जागीरी क्षेत्र में महाजन ठिकाने के किसान आंदोलन, और इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे दूधवा खारा के किसान आंदोलन के बारे में। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करना भी न भूलें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमारे साथ साझा करें। और इसके अलावा आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।